हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेडीज बूट लेके आई हूँ। ये मैंने 5 नंबर का साइज बनाया है और ये लेफ्ट पैर का है। इसके लिए मैंने 55 फंदे डाले हैं। ये 55 फंदे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले बेसिक रो पूरी रो वैसे तो इसमें सीधी सीधी बुनेगी। यहाँ से स्टार्ट है। ये हमें 10 रो बनानी है। 1 2 3 4 5 हैं और 5 लेफ्ट साइड से, तो 10 रो हो गई हैं। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से भी सीधा ही बुना जाएगा। ये दोनों तरफ से सीधा बुना जाएगा। आप चाहें तो दोनों तरफ से उल्टा भी बुन सकती हैं। इस तरीके से मुझे 10 रो बनानी है दोनों तरफ से, 5 इधर से 5 इधर से। उसके बाद आगे पैटर्न आगे बढ़ेगा। ये देखिए, ये मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद 20 फंदे इधर से इधर सेपरेट किए जाएंगे और 20 फंदे आगे से। जो बीच के 15 फंदे हैं वो बुने जाएंगे। अब ये वाला पोर्शन बुना जाएगा, ये वाला 15 फंदे इधर तक बुना जाएगा। इस तरीके से देखो, ये
20। ये अब ये वाला पोर्शन नहीं बुना जाएगा, 20 फंदे जो हमने सेपरेट किए हैं, और इधर के जो 20 फंदे हम छोड़ेंगे वो भी अभी नहीं बुने जाएंगे, सिर्फ 15 फंदे बुने जाएंगे इस तरीके से। 15 मैं बताते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदा ऐसे बुन जाएगा। मैं इसको पीछे से बुनना है ये वाला। अब सिलाइयों को टर्न करना है, इन फंदों को नहीं बुना जाएगा। ये जो किनारी आएगी ना ये ऊपर, अब ये जो किनारी आएगी इस तरीके से ही बनी जाएगी। ये मैं बताती हूँ, पहला फंदा बगैर बुना उतारेगा, लेफ्ट साइड है, बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये 15वां फंदा इसी तरीके से हर रो के एंड में इस तरीके से बुना जाएगा। ये सिलाइयों को टर्न करना है, अब ये पहला फंदा उतारना है बिना बुने हुए और बाकी फंदे सीधे बुन जाएंगे। पूरी रो इसी तरह बुन जाएगी, लास्ट का फंदा जैसे मैंने बताया वैसा बुना जाएगा। इस रो का लास्ट फंदा ये है, इसको ऊन को आगे किया और उल्टा ऐसे बुना। सिलाई को टर्न करते हुए लास्ट वाला फंदा इस तरीके से। इस तरीके से मुझे ये 23 रोज बनानी है। यहाँ तक 23 रोज हैं, उसके बाद ये फंदे डिक्रीज होंगे। अभी मैं बताती हूँ, अगर आपको बड़ा बनाना है साइज तो ये रोज बढ़ जाएंगी, इस इन रोज को बढ़ा सकते हैं आप।
इस तरीके से इधर ऐसे फंदे उठाए जाएंगे। ये देखिए, ये राइट साइड पे किनारी आती जाएगी। अब इन फंदों को भी इसमें ही बुन लेते हैं। अब नेक्स्ट रो में हमें ये जो फंदे हमने बुने हैं और ये उठाए हैं, इधर तक हमें अभी बुनना है। इधर से भी हमें सीधा ही बुनना है। इस साइड के जो 20 फंदे थे वो बुने जा रहे हैं। अब जो एक साइड के हमने ये फंदे उठाए थे, अब पहले मैं इस फंदों को बुन लेती हूँ। ये मेरी राइट साइड है।
एक साइड के हो गए फंदे उठाते हुए कंप्लीट कर ली वाली रो। अब इस साइड के फंदे उठाए जाएंगे और इस वाले जो 20 फंदे ये छोड़े थे इसे भी बुन लिया जाएगा। इस तरीके से देखिए दूसरी साइड के फंदे इस तरीके से उठाए जाएंगे। अब इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये 20 फंदे जो हमने छोड़े थे पहले इसमें ही बुन लेंगे इस रो में। अब मुझे ये सारे फंदे एक साथ ही बुनने हैं, जो मैंने उठाए हैं वो फंदे भी और ये 20-20 फंदे सारे मिला के एक साथ बुनने हैं। ये वाला, अब ये वाला पोर्शन बनेगा। तो ये हमें 20 रोज करनी है, 10 राइट की 10 लेफ्ट की, तो 20 रोज हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
ये देखिए अब हमारी ये 10 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन फंदों का दो हिस्सों में बांटेंगे, आधे आधे, आधे इस तरफ आधे इस तरफ, और इसको बंद करना है इस तरीके से। हमने आधे आधे फंदे कर लिए हैं दोनों तरफ। अब ये हमारी राइट साइड है, अब हमें इसे रॉन्ग साइड से बंद करना है। एक्स्ट्रा सिलाई लेके एक फंदा इस सिलाई से उतारा, एक फंदा इस सिलाई पे चढ़ा दी, ये वाला फंदा इस सिलाई पे चढ़ा के दो का एक करा स्टार्टिंग में, फिर इस सिलाई से एक फंदा उतार के इस सिलाई पे चढ़ाया। अब ये तीन फंदों का एक करना है। पूरी इसी तरह से बंद करने हैं। यहाँ से मैंने पूरा बंद कर दिया, इसको यान को थोड़ा सा बड़ा काट लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देते हैं।
देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका ये वाला पोर्शन बनाएंगे, ये वाला ये पोर्शन बनेगा। अब इस ऊपर वाले पोर्शन को बनाने के लिए मैंने इसमें 23 फंदे डाले हैं। फाउंडेशन रो ये ऐसी बनानी है सीधी। नेक्स्ट रो भी सीधी बनानी है। इस रो में हम पहले चार फंदे सीधे बुने जाएंगे, उसके बाद पांचवा फंदा सीधा बुना जाएगा, छठा फंदा सीधा बुना जाएगा और जो फिफ्थ फंदा है ये वाला छठे फंदे के ऊपर से ऐसे उतार दिया जाएगा, उसके बाद सेवंथ फंदा भी ऐसे ही और ये सेवंथ फंदा, एट फंदा इस तरीके से ही उतार दिया जाएगा। इसका मतलब तीन फंदे बीच में से घटाए हमने और तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे, दो ये तीन फंदे सीधे हुए, चार पहले सीधे बुने फिर तीन घटाए फिर तीन सीधे बुने, अब फिर तीन फंदे घटेंगे। एक दो ये तीन, तीन फंदे घट गए, अब फिर तीन फंदे बुन जाएंगे, ये तीन फंदे बुन गए, चार बुने तीन घटे, चार तीन बुने तीन घटे तीन बुन लिए, अब फिर तीन घटेंगे, एक घट गया दो घट गया ये तीन घट गए, इस तरीके से ये तीनों फंदे सीधे बुनने जाएंगे। तो ये लास्ट के भी चार फंदे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट रो में हमें पहले चार फंदे सीधे ही बुने जाएंगे, तीन चार, जो हमने तीन फंदे घटाए थे उसको इस तरीके से उठा लेना है, इस वाले फंदे से एक तीन फंदे उठ गए,
अब तीन फंदों को सीधे बुन लेते हैं, एक दो तीन, इस तरीके से। फिर ये तीन फंदों को उठाएंगे, एक उठाया, दो उठाया, ये तीन उठा लिए, तीन फंदे बुने जाएंगे, एक दो तीन। अब फिर तीन फंदे उठाए जाएंगे जो हमने घटाए थे वो, एक दो तीन, और चार फंदे सीधे लिए जाएंगे। अब हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है। ये देखिए मैंने अब इसे, ये पूरी टोटल मैंने 55 रोज़ बना लिए हैं। एक तरफ से 55 हैं, अगर हम दोनों तरफ की काउंट करेंगे तो 110 हो जाएंगी। यह इस तरीके से यहाँ से ये इसे काउंट करना, फर्स्ट वाली एक दो ऐसे पूरी, ये 55 हैं। अब हमें ये वाला पैटर्न बनाना है और ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये इसको कवर कर लेगा, इस वाले घेरे को पूरे को कवर कर लेगा, इतना ये होता है। अब ये देखिए इस तरीके से, चार, ये स्टार्टिंग के मैंने चार फंदे सीधे बुन लिए। अब जो तीन फंदे हमने यहाँ स्टार्ट इसमें स्टार्टिंग घटाए थे ना, इस तरीके से तीन फंदों को उतार के इन्हें घटाना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से पूरी रो नीचे तक ये घटेंगी, तीन फंदे तो, फिर तीन फंदे हैं जो, ये हमें
यहाँ तक बिल्कुल एंड तक घटाना है, इसको खोलने फंदे को तीनों को। देखिए यहाँ तक मैंने उस इसको पूरा खोल दिया फंदों को, और ये जो चीज़ लास्ट की, ये काज काज बन जाएगा। अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से। अब इनको इस तरीके से ब्रेड बनानी है, इस तरीके से ये ब्रेड बनेगी। देखिए क्रोशिए से बनेगी ये। पहले चार ये इसके जो फंदे खोले हुए हैं, चार धागे या ऊन के ये चार, ये इसको इस तरीके से एक बार बल लगाना है, और उसके बाद चार धागे फिर लेके इस तरीके इसमें से निकाल देना है। फिर बताती हूँ मैं। दो, ये चार, चार धागे लेके अब इस तरीके से चार धागे इसमें से लेके निकालते जाना है पूरे। दो दो चार, ये देखिए इस तरीके से ये ब्रेड बनती जाएगी पूरी। इधर ये देखिए ये ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको इन चारों फंदों को इस सिलाई पे ले लेते हैं। इस तरीके से ये ब्रेड बनेगी। एक इसके ये बनेगी जो हमने तीन फंदे इधर घटाए थे, और एक इधर, तीन बार ये लेयर बनेगी, ये तीन बार ब्रेड बनेगी इसमें। अब ये देखिए ये फंदे इस सिलाई पे लेके हमने इन्हें जो तीन फंदे हमने घटाए थे उन्हीं तीन इधर बनाना है। एक एक बार, दो बार, और ये तीन बार। ये तीन फंदे इसके हो गए कंप्लीट।
अब इसके बाद जो हमने तीन फंदे बुने थे, पहले तीन फंदे बुन लेते हैं इसके बाद, एक दो तीन। इसके बाद फिर यही वाला प्रोसीजर फिर इधर होगा, तीन फंदे ये घट जाएंगे, जैसे हमने पहले सारे निकाल लिए थे इस तरीके से अब ये फंदे भी निकाले जाएंगे। इस तरीके से ये भी यहाँ तक एंड तक हमें, यहाँ एंड तक हमें उधेड़ना है इसको। इसके बाद पूरी ब्रेड बना के यहाँ इसके तीन फंदे इधर फिर बढ़ा देने हैं, तीन फंदे बुन के फिर इधर तीन फंदे घटते हुए इधर भी एक बार ब्रेड बनेगी, उधेड़ते हुए इधर भी एक बार ब्रेड बनेगी। इस तरीके से ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए तीनों ब्रेड कंप्लीट हो गई है, ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे बताया था ये काज होते हैं, इसमें बटन आ जाएंगे, ये जैसे बटन आ जाएंगे इस तरीके से। अब इनको मैं बुन लेती हूँ, ये पूरी ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब दो सिलाइयां मैं ऐसी सिंपल कर लेती हूँ उसमें। देखिए ये दो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, अब हम इन स्टिचेस को बंद कर देंगे। लास्ट के तीन फंदे एक साथ बुन लेते हैं, घटा देते हैं इनको इस तरीके से। अब हम इस फंदे को अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाते हैं, सुई धागे से सिल देते हैं।
ये लेफ्ट साइड का है तो ये राइट साइड का है। अब हम इधर से इसको लगाएंगे, इधर से सिलाई इस तरीके से सिलाई करते हुए इसको इधर से इसके ऊपर ले आते हैं, इसके ऊपर ये इस तरीके से। पहले इस तरीके से मैं लगाती हूँ, फिर ये सीधा हो जाएगा इस तरीके से। अभी मैं लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये सू से सिलाई कर देते हैं इसकी। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम इस हिस्से में हम बटन लगा देंगे तीन, और ये काज इसके हैं ही।